ये डेढ़ पुड़िया छटंकी चाइना, इसकी जो चीफ हरकतें इतनी ज़्यादा गिर जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि उस पर सोचना भी लगता है कि किस मानसिकता का ये देश है। वुहान लैब का मामला हो या फिर अभी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए देश भर में खासतौर पर इंडिया के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं, सेना के जवानों की उनकी फैमिलीज़ की जासूसी करना, तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। कौन से मोबाइल वो फ़ोन हैं जिससे खतरा है और क्या डिफेंस इंटेलिजेंस ने एक डिस्कशन करके क्या एक एडवाइजरी जारी करी है सेना को और उनके परिवारों के लिए कि आप इन मोबाइल फ़ोनों का इस्तेमाल हो सके तो ना करें और क्या है इनसे खतरा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हैं अपने इस पेज पर द रॉयल सोल्जर, पहले तो आप इस फेसबुक पेज का हिस्सा बने ताकि देश हित में राष्ट्र हित में सैनिकों से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुँचा सकें जो देश का कोई मीडिया नहीं दिखाता। साथ ही साथ बच्चों को एजुकेट करने के लिए, आजकल जो बच्चे डाइवर्टेड हो रहे हैं उनके एक पॉजिटिव राह पिलाने के लिए, सही गलत में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक अच्छे परिवार के सदस्य की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे प्राउड हुआ कि यदि आपका परिवार हमारे इस परिवार से जुड़ेगा और हम मिलजुल कर आने वाली युवा पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं भारतीय सेना से जुड़ी उस खबर की जहाँ पर डिफेंस इंटेलिजेंस ने एक सरकार के माध्यम से एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो चाइना है किस स्तर पे वो स्पाई मालवेयर डाल के, स्पाईवेयर डाल के मोबाइल फ़ोन्स को हैक कर रहा है, कौन जवान किस समय पे किस लोकेशन में जाता है, पूरा डेटा उनके पास जाता रहता है। परिवार उनसे जब बात करता है तो कई बार कुछ बातें दोस्तों से नहीं करते हुए परिवार के साथ ज़रूर करते हैं। तो जवान क्या बताता है, मैं कब जाता हूँ, कब आता हूँ, कौन कौन परिवार में लोग हैं, क्या उनका एड्रेस है, क्या लोकेशन है, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आजकल जो लड़ाई है वो सरहद पे खड़े होकर बंदूक की और तोप गोलों की आर पार की नहीं है, बहुत बड़ी जो है एक इंटरनेट की भी लड़ाई है, डेटा की लड़ाई है जिसको आज के ज़माने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला जा रहा है और आम जनता शायद इसे बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो पहले हम बात कर लें कि वो कौन से मोबाइल फ़ोन हैं जिनके बारे में खतरा का अंदेशा है, जो कि खुद एडवाइजरी में और न्यूज़ में जो मेंशन किया गया है वो है वीवो करके एक मोबाइल है चाइना ब्रांड, फिर उसके बाद ओप्पो है, शोमी है, वन प्लस है और आपका ये एक ऑनर है, रियलमी है, ZTE है, जियोनी है, आसुस है। आप बोलेंगे बड़ा लियोनी को याद कर रहे हो, एक्चुअली जियोनी जी को जो है थोड़ा गलत तरीके से मेंशन किया हुआ है, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई एम गिविंग यू द राइट इन्फॉर्मेशन। एसुस है, उसके बाद आपका ये इनफ्लिक्स है, ये तो मोबाइल फ़ोन की बात हो गई। साथ ही साथ कुछ अंदेशा ये भी है कि जो चाइनीज़ आइटम्स हैं, चाहे वो आपके घर में स्मार्ट टीवी हो या फिर वो सीसीटीवी के गैजेट्स हों, कैमराज हों या मोबाइल फ़ोन हो या स्मार्ट वॉचेज़ हों, इनसे भी बहुत खतरा है। जो जो डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होती है वो आपका डेटा पहुंचा रही है चाइना। तो मैं चाहूँगा आपके घर में भी यदि ये सब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं तो पहली बात तो हम बहिष्कार करें क्योंकि हमारे देश के लिए जो है एक बहुत बड़ा घात लगा के बैठा हुआ दुश्मन है चाइना, जिससे हमें ना सिर्फ हमारी सेनतों से लड़ रही है, सरहदों पर बचाव कर रही है देश का, लेकिन साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने खुद के देश के इंपॉर्टेंट डेटा को बचा के रखें, हमारे देश की भीतरी खबर दुश्मन देश तक ना जाए इन सब मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस के माध्यम से। तो सुरक्षा का ध्यान रखें और ख़ासतौर पे हमारे जितने भी जवानों के परिवार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए, अधिकतर लोग सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस की फैमिलीज़ और जवान हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आम जनता जो देश हित में, राष्ट्र हित में सोचती है वो हमारे साथ जुड़ी है, तो आप सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका परिवार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बड़े बड़े अपडेट्स जो आते हैं जिनसे कि आपको फ़ायदा हो और देश को फ़ायदा हो, मुझे अब तक पहुंचाने चाहिए और मैं पहुंचाता भी हूं। तो ख्याल रखिएगा, क्या कहते हैं आप इस विषय पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे शेयर कीजिएगा, अवेयरनेस को स्प्रेड आउट कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज को सपोर्ट करते हैं UPI के माध्यम से, royalsoldier@UPI, ताकि हमारे पास कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी मीडिया टीम है, हम खुद अपने काम जो करते हैं ग्राउंड लेवल पे, हमें कहीं आना जाना होता है, सैनिकों से मिलना होता है, कुछ जानकारी जुटानी होती है, तो इसके लिए हमारे पास कोई फंड के सोर्सेज नहीं होते। तो यदि आप चाहते हैं, आप हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी स्वेच्छा से अनुदान हमको निरंतर रूप से दे सकते हैं ताकि हमें अपने कार्य करने में मजबूती मिलती रहे। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं चलता और किसी नए राष्ट्रहित के जुड़े मुद्दे के साथ। गुड बाय फॉर नाउ एंड
कीप योर फोन सेफ। आप अपनी वाइफ से क्या बात करते हैं, फ्रेंड से क्या बात करते हैं, कहीं आपका डेटा आपके फोटोग्राफ से लीक नहीं हो रहे, उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत लिंक्स पे कभी भी आप क्लिक ना करें, किसी भी गलत सॉफ्टवेयर जो अनवांटेड है उसको डाउनलोड ना करें, ऐसा ना हो कि जाने अनजाने आपकी जानकारी किसी और के हाथ लग जाए। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।